इनका तो विजन था चरवाहा विद्यालय, इनके इनके पिताजी माताजी के विजन में तो चरवाहा विद्यालय था, और नीतीश जी के विजन में BIT है, IIT है, NIT है, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है, लॉ का लॉ इंस्टीट्यूट बना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बना, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना, मुंगेर यूनिवर्सिटी बना। तो वही है ना कि अब उनको जिस व्यक्ति को विजन समझ ही में नहीं आता है तो उसको तो सबका विजन बेकार लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग के SES KK पाठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल है जो खत्म हो गया है, एक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं अशोक चौधरी। सर, कैसे देख रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है? काहे का इकबाल, ये सब ऐसे फालतू, जब साथ में थे तब नीतीश जी के बारे में कितना बढ़िया बढ़िया बात बोलते, ऐसा होता है कि 24 घंटे में आदमी का इकबाल खत्म हो जाता है? अभी 24 घंटा पहले जब साथ में थे इतना बड़ा बड़ा वक्त, जब बयान देखिए उनका क्या क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में। अब देश में कौन मुख्यमंत्री है जिसको UNO बुलाया, पूरे दुनिया के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लीडर्स के बीच में नीतीश जी को बुला करके उनसे जल जीवन हरियाली पर भाषण कराया? कौन सा विजन नीतीश जी का 18 साल में विजन नहीं था? ये 24,000 करोड़ का बिहार था ना, आज 2,78,000 करोड़ का बिहार हो गया। तो विजन बिना विजन का हो गया? जल जीवन हरियाली किसकी योजना है? लड़कियों के लिए पोशाक किसकी योजना है? साइकिल किसकी योजना है? हर घर बिजली किसकी योजना है? जीविका किसकी योजना है? मूलभूत संरचना के लिए कोसी पर बांध किसकी योजना है? 5 घंटा में राजधानी पहुंचने का विजन किसका है? 10% बच्चे स्कूल के बाहर थे, इनका तो विजन था चरवाहा विद्यालय। इनके इनके पिताजी माताजी के विजन में तो चरवाहा विद्यालय था, और नीतीश जी के विजन में BIT है, IIT है, NIT है, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है, लॉ का लॉ इंस्टीट्यूट बना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बना, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना, मुंगेर यूनिवर्सिटी बना। तो वही है ना कि अब उनको जिस व्यक्ति को विजन समझ ही में नहीं आता है तो उसको तो सबका विजन बेकार लगेगा। वो तो बोल रहे हैं कि एक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कौन अधिकारी नहीं बात सुनता है? क्या ऐसा फालतू का बात है? कौन अधिकारी है, किस अधिकारी का हिम्मत है कि नीतीश कुमार का बात नहीं सुन रहे? कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम थके हुए मुख्यमंत्री को चलाया है, रोजगार दिलवाया उनसे बिहार में, हमने रोजगार 17 महीना, जैसे कि हम गए, अब हम भवन निर्माण मंत्री थे, बापू टावर बन रहा था, तो बापू टावर किसकी योजना है? मुख्यमंत्री की योजना है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी किसकी योजना है? मुख्यमंत्री की योजना है। अब 4 साल पहले बना, अब उद्घाटन के समय हम मंत्री बन गए, बोर्ड पर हमारा नाम नहीं किया था, हम कहेंगे पूरा हम ही बनाया है, यही ना बात हुआ? 4 साल से योजना चल रहा है, अब उद्घाटन के समय हम मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री के साथ हमारा भी नाम लिखा गया बोर्ड पर, तो कह दिए कि हम बनवाए थे, वही वाला बात हाल है इनका। जनविश्वास यात्रा को कैसे देख रहे हैं, उनको क्या लगता है वो सफल हो पाएगा? ये ना लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ थाल लग जाएगा, 40 जो सीट में, जब 40 सीट आएगा हमको तो सबको थाल लग जाएगा। घूमने दीजिए सबको, का घूमना काम है, घूमना भी चाहिए, नौजवान आदमी जितना मेहनत करेंगे उतना आगे वाले भविष्य में फायदा होगा, 10 साल 20 साल बाद। कैबिनेट विस्तार को क्या कहते हैं सर? कैबिनेट विस्तार अभी तक बिहार सरकार में नहीं की गई है, कहा जा रहा है विधानसभा चल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री का जिस दिन इच्छा होगी हो जाएगा, उसमें क्या है, विधानसभा का चुनाव है, MLC का इलेक्शन आ गया है, हो जाएगा, उस समय कोई इशू नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं। क्या कुछ कर रहे थे भवन निर्माण मंत्री जो पूर्व है अशोक चौधरी, आपने सुना? तमाम खबर बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।